మోక్షస్థలీ కస్తూరి నాశగ్రీవద్ముక్తి కంకర్తలే వినుకరి కంకణం శర్వాంగేరి చంద్రలాం సులలితం కంఠే చ ముక్తావలి గోపస్థే పరిమిష్టే తు విజయతే గోపాల చూడామణి హే రామా పురుషోత్తమ నరహరే నారాయణం కేశవ గుణనిధే దామోదర హే కృష్ణ एक ना एक दिन तो सपने जाना है, लेकिन अच्छा कर्म करके जाएंगे, यही याद है, यही साथ आने वाली वस्तु है। कब कब याद आती है प्रभु की, जागरण में या कष्ट में या दुख में हो, कब याद करते हैं, जब चारपाई पर पड़ जाता है निशान, भगवान की याद आती है। हे प्रभु मुझे दुखों से छुटकारा दिलाओ। आपने गुरु प्राण ने सुना होगा चार बातें ज्ञान की बताई तो एक तो जब दुखों में फंस जाता है प्राण तब याद आती है, घर वाले भी तब तंग आ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना प्रभु की बंदिश का कष्ट जो है वो दूर करो, कष्ट सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। या दुख में या प्राण सुनने में, कुछ समय प्राण सुन रहे तो हमारी मति जो है ना भगवान की तरफ लगती है, या फिर करो नहीं मिट्टी दिए दुनिया मिट्टी पीछे तो हुस्नदाई सोचे अब तेरा पर समझ न आई सत
सत्संग विच जाया करे, सत्संग विच जाके हरि चरणा चलाया करे। एक घड़ी आधी घड़ी सच्चे भाव से प्रभु का नाम हम जप लें, कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इंसान द्वापर में त्रेता में सतयुग में ना जाने कितने अनुष्ठान करता, कितने हजारों साल जप करता था, पाठ करता था, बड़ा मुश्किल है ना ये। सत्संग में आते नहीं है, बैठे जहां ध्यान हमारा कहीं और है, नहीं। अंत समय में अगर मुख से प्रभु का स्मरण निकल गया सीधा वैकुंठ को, लेकिन निकलेगा कैसे? अभ्यास किया हुआ तभी। अगर हम स्मरण करते होंगे तभी ना, क्योंकि पहले आप देखते हैं कि माताएं जो अपने बच्चों का नाम रखती थी ना, इसका नाम राम श्याम गोविंद गोपाल नानक, ताकि माताएं भी चलते फिरते जो है प्रभु का भजन होता रहता था, बच्चों का नाम होता रहता था। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों का नाम और रख देते हैं, नहीं। अच्छा नाम जपती थी, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, वो भोजन भी बनाती थी तो प्रभु का स्मरण करती रहती थी। मती जो बच्चे किस प्रकार होती थी, अजामिल ने अपने बेटे का नाम जो है नारायण रखा। जब दूध लेने के लिए चले आए, अब यमराज से डर हर को लगता है, अकेला था घर में, देखा उसको लेने के लिए आ रहे हैं, डर गया देख करके यमदूतों को। बेटे का नाम नारायण था, नारायण नारायण को गाने शुरू कर दे दूर से। यमदूत वापस चले गए, धर्मराज ने पूछा क्या कारण, क्या बात है, तुम वापस चले आए? उन्होंने कहा अपने खुद तो कहा था कि जो प्रभु का स्मरण करता होगा उसके पास तुम मर जाना, तुम उनको पकड़ कर जो नास्तिक होंगे। अरे हम जब वहां पहुंचे तो नारायण नारायण पुकार आपका नाम ले रहा था, हम वापस चले आए। कहने का भाव है कि अंत समय में अगर अभ्यास हुआ होगा तो प्रभु का स्मरण जो है मुख से निकल जाएगा सीधा वैकुंठ को। यो यो दुख वा करे। ओम शांति 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 भवतु।
सम शुभांगम। लक्ष्मी कस्तूरी तिलकम गलाट पटले मोक्षस्थले पौस्तुम नासग्रीव मुक्ति गंगर तले सर्वांगेरी चंद्रलाम सुललितम कंठे च मुक्तावरी मोक्षस्य परमिष्टो विजयते गोपाल विचुरा जय जय राम।
Oh.
मैंने ये करना है वो करना किया अधूरा रह गया।
लेकिन उस तरह नहीं जाते कि उसका नाम भी जपना है हमने। एक घड़ी दो घड़ी आदि से मिया, कभी मन में ऐसा ध्यान नहीं लगाया कि यही साथ जाने वाली वस्तु हमारे, बाकी सब कुछ रह जाना ये धन दौलत मकान बंगले। धन घर से साथ छोड़ देती है भाई बंधु, कहां तक शमशान तक जाते हैं, वहां वापस चले आते हैं। हमारे साथ जाने वाली वस्तु जो है उसको हम भूल जाते हैं। अरे वही जाने वाली साथ है प्रभु का नाम। बड़े भाग्यवान उस धन बाबा, अरे प्रभु का स्मरण करने के लिए ये मानव जीवन प्राप्त हुई, नहीं तो उसका जवाब देना पड़ेगा जो वादा किया था। प्रभु से कहा था ना, जब मां के उदर में था उनका लटका हुआ हाथ जोड़े हुए कुंडलाकार शरीर जैसे पक्षी बंद होता है, मां के उदर में वाम से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं मूर्त के गंधे में अकेला भुगतान कर रहा हूं, मुझे यहां से कब बाहर निकालोगे, मैं बाहर जाना नहीं चाहता, बाहर जाऊंगा फिर प्रकार के कर्म करूंगा, लेकिन मैं यहां बड़ा दुखी हूं। फिर प्रार्थना करता प्रभु अगर बाहर गया तो इस प्रकार के कर्म नहीं करूंगा, लेकिन बाहर आते ही प्रभु की माया ऐसी हमें मोह लेती है, हम उन संसारी चक्कर में भी पड़ जाते हैं, चौरासी के चक्कर में नहीं, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। प्रभु तुमसे जो पूछेगा, जो वादा किया था कि क्या लाया है दुनिया से, अरे बहाना क्या बनाएगा, वो तुमसे ही से आना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है, हम सबको मालूम है एक ना एक दिन तो सपने जाना है, लेकिन अच्छा कर्म करके जाए यही याद है, यही साथ जाने वाली वस्तु है। कब कब याद आती है प्रभु की, या गर्व में, या कष्ट में, या दुख में हो, कब याद करते हैं, जब चार पैर पर पड़ जाता है निशान, भगवान की याद आती है। हे प्रभु मुझे दुखों से छुटकारा दिलाओ, आपने गुरु प्राण ने सुना होगा चार बातें ज्ञान की बताई, तो एक तो जब दुखों में फंस जाता प्राण तब याद आती है, घर वाले भी तब तंग आ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना प्रभु की बंधु का कष्ट जो है वो दूर करो, कष्ट सहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, या दुख में या प्राण सुनने में, कुछ समय प्राण सुन रहे तो हमारी मति जो है ना भगवान की तरफ लगती है, या प्रकरण में या शमशान में। नत्था सिंह दी सिया राम
मिट्टी का संसार सारा मिट्टी का ही कारोबार है, मिट्टी दे लाल मिट्टी देखो कभी किन्ना प्यार है। सोचे आप तेरा परी समझ न आई है, मिट्टी दी ये दुनिया पीछे क्यों सदाई है। सोचे आप तेरा परी मिट्टी दी ये दुनिया पीछे क्यों सदाई है। सोचे आप तेरा परी काली है, कोई लाल मिट्टी जगते ते कोई चिट्टी कोई काली है। जिसने बनाई मिट्टी लीला उस दिन मिट्टी की एक दी सोनी, मिट्टी की एक दी सोनी दुनिया बसाइए। मिट्टी की दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सदाई। सोचे अब तेरा पर समझ ना आई है, मिट्टी दी दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सदाई। मिट्टी नूं बनाण वाले मिट्टी दे बनाए बुत क्यों ही उस मिट्टी विचों पुत। सोचे आप तेरा पर समझ ना आई है, मिट्टी दिए दुनिया मिट्टी पीछे क्यों सदाई। Thank you.
सुमर सुमर नर उतर ही पाया। इंसान द्वापर में त्रेता में सतयुग में ना जाने कितने अनुष्ठान करता, कितने हजारों साल जप करता था, पाठ करता था, तब जाकर के भाव सागर पार होता था। वो भी पता नहीं होना के ना, लेकिन कलयुग में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतने ही पारा। सबसे आसान तरीका कलयुग में क्या देखा, प्रभु का नाम जो है वो पार बजाने वाला है, लेकिन लिया कैसे जाए, बड़ा मुश्किल है ना। ये सत्संग में आते नहीं है, बैठे यहां ध्यान हमारा कहीं और है, नहीं अंत समय में अगर मुख से प्रभु का स्मरण निकल गया सीधा वैकुंठ को, लेकिन निकलेगा कैसे, अभ्यास किया हुआ तभी। अगर हम स्मरण करते होंगे तभी ना, क्योंकि पहले आप देखते हैं कि माताएं जो अपने बच्चों का नाम रखती थी ना, इसका नाम राम श्याम गोविंद गोपाल नानक, काम के माताएं भी चलते वृत्त जो है प्रभु का भजन होता रहता था, बच्चों का नाम होता रहता था। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों का नाम और रखकर देते हैं, नहीं अच्छा नाम जपती थी, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, वो भोजन भी बनाती थी तो प्रभु का स्मरण करती रहती थी। मती जो बच्चे किस प्रकार होती थी, अजामिल ने अपने बेटे का नाम जो है नारायण रखा। यमदूत लेने के लिए चले आए, अब यमराज से डर हर एक को लगता है, अकेला था घर में, देखा उसको लेने के लिए आ रहे हैं, डर गया देख करके यमदूतों को। बेटी का नाम नारायण था, नारायण नारायण को गाने शुरू कर दे दूर से। यमदूत वापस चले गए, धर्मराज ने पूछा क्या कारण, क्या बात है, तुम वापस चले आए। उन्होंने कहा अपने खुद तो कहा था कि जो प्रभु का स्मरण करता होगा उसके पास तुम मत जाना, तुम उनको पकड़ कर जो नास्तिक होंगे। अरे हम जब वहां पहुंचे तो नारायण नारायण पुकार आपका नाम ले रहा है, हम वापस चले आए। कहने का भाव है कि अंत समय में अगर अभ्यास हुआ होगा तो प्रभु का स्मरण जो है मुख से निकल जाएगा सीधा वैकुंठ को। इसलिए हमें उस प्रभु का नाम जपना चाहिए। ओम शुक्रम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नोदरम ध्याय सर्वविघ्न शांतये निदानी नारायणी नमस्तुते। ओम Shalom.
शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति सामा शांति सुशांतिर्भवतु। सर्वे भावन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाकरेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। इसी प्रकार का कुछ सगन नहीं देगा प्रार्थना, इसलिए लंगर का प्रसाद नहीं ग्रहण क्या कृपा करके लंगर का प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। और जो पाप प्रसाद लंगर का जो बाहर इंतजाम के कृपा करके भी करके जाए। ओम शांति शांति भवतु। बात ये मत रहता